गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एजुकेशन हिल्सा। आई विल होप दैट ऑल ऑफ यू आर सेटिस्फाइड टू माय टीचिंग एंड आई सजेस्टेड टू ऑल ऑफ यू प्लीज डू फेयर कॉपी बुक। ओके, फेयर कॉपी बुक मस्ट एंड मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वीडियो and after understanding back the video and now the clear। okay, पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ गई फिर उसको वीडियो को पीछे ले जाके उसको आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो नाउ इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट एलोट्रॉपी। इस क्लास में हम लोग एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे कि एलोट्रॉपी क्या है। तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में हमारे अर्थ पे कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, है ना। है एक ही एलिमेंट, है आपका एक ही एलिमेंट, ठीक है, लेकिन अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए डायमंड, डायमंड सब जो है सब लोग परिचित होंगे डायमंड से, नाम जरूर सुना होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने डायमंड, है ना। तो डायमंड हो गया और ग्रेफाइट भी देखे होंगे, पेंसिल, पेंसिल जरूर देखे होंगे आप लोग, है ना। सब पेंसिल के में जो है ग्रेफाइट यूज होता है, या निप्पो एवरेडी वाला बैटरी भी आप लोग देखे होंगे, निप्पो एवरेडी वाला जो बैटरी होता है उसमें जो ब्लैक टाइप का जो है आपका रॉड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, वो भी आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप लुब्रिकेंट में भी करते हैं, जैसे कि फोर्स फ्रिक्शन एंड प्रेशर चैप्टर में आपका लुब्रिकेंट में चिकना करने के लिए आप फोर्स फ्रिक्शन प्रेशर चैप्टर में पढ़े हैं। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है ना, कोल है, चारकोल है जिसको हम लोग लकड़ी का कोयला भी कहते हैं, चारकोल लकड़ी का, ये सारा का सारा कार्बन का ही बना हुआ है। लेकिन देखिए कितना डिफरेंट है सब में, डायमंड और ग्रेफाइट में तो आसमान और जमीन का डिफरेंस है, डायमंड और ग्रेफाइट का तो तुलना ही नहीं किया जा सकता, जबकि है दोनों कार्बन। डायमंड भी कार्बन का ही बना हुआ है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना हुआ है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। एक ही एलिमेंट जो है एक से ज्यादा, मोर देन वन फिजिकल फॉर्म, एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। विच हैज सेम के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, इसी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। और जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है, जैसे कार्बन का डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, कोक, ये सब आपका कहलाता है एलोट्रॉप, जिसको हिंदी में अपरूप कहते हैं और इसे कहते हैं अपरूपता। मैं देखिए एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कैसे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे। अब जैसे एग्जांपल देखा मैंने, कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन डायमंड के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, कोल कोक चारकोल जिसको लकड़ी का कोयला कहते हैं, लैंप ब्लैक, ये सब रूप में पाया जाता है, केवल कार्बन, केवल और केवल। तो दीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये सबका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। कैसे भाई, डायमंड देखिए बहुत ज्यादा चमकीला होता है, ग्रेफाइट चमकीला नहीं होता है। डायमंड आपका बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर है ना। डायमंड का यूज कटिंग करने में, शीशा वीशा जो काटता है ना, देखे होंगे आप लोग शीशा काटने में थोड़ा सा एक नुकीला टाइप का उसमें लगा रहता है जो कि डायमंड होता है, शीशा काटने में डायमंड यूज होता है, ग्रेफाइट का यूज शीशा काटने में नहीं किया जाता है। ड्रिलिंग करना हो, होल करना हो किसी चीज में, तो डायमंड का यूज होता है, ग्रेफाइट को में, ग्रेफाइट से अगर होल करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर है आसमान और जमीन का, लेकिन है तो कार्बन ही है जी, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज से सब तो कार्बन है। हाँ, वो कार्बन डायमंड कार्बन होता है, ये आपको हीलियम होता तब कहते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। डायमंड आपका होता सोडियम, ये होता आपका सिलिकॉन, तो कहते हैं डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये होता गोल्ड, ये होता सिल्वर, तो कहते हैं डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। डायमंड भी कार्बन का ही बना हुआ है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना हुआ है। और डायमंड कोयले की खानों से निकलता है, सब लोग को पता होगा।
डायमंड कहां से निकलता है? सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका से, कोयला का खान से निकलता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से सबसे ज्यादा डायमंड है। तो क्लियर हो गया आप लोग को, एलोट्रोपी एक ही एलिमेंट है जो कि अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन है डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, कोल के रूप में, चारकोल के रूप में पाए जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, कॉल्ड एलोट्रोपी। जो अलग डिफरेंट फॉर्म है, जैसे कार्बन का डिफरेंट फॉर्म का क्या हुआ, कार्बन का डिफरेंट फॉर्म डायमंड ग्रेफाइट है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूं दीज डिफरेंट फॉर्म्स भाई डायमंड ग्रेफाइट है ना, ओक चारकोल लैंप ब्लैक जगह नहीं है छोड़ देता हूं, और एलोट्रोप्स। ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कार्बन का डिफरेंट फॉर्म डायमंड को, डायमंड ग्रेफाइट कोल चारकोल, ये सब क्या हुआ, कहलाता है एलोट्रोप्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में शायद एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, जैसे कि सब तो कार्बन है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया, डायमंड ग्रेफाइट कोल चारकोल लैंप ब्लैक ईटीसी हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑल आर द फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट। अब आप सोच रहे हो कि कैसे के, अभी मैंने समझा भी दिया कि कैसे आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, लैंप ब्लैक हो गया, सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि सारा का सारा जो है कार्बन एलिमेंट का रूप है, ये सारा का सारा कार्बन एलिमेंट्स का रूप है। ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट सब केमिकल सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि सब किसका पर किससे बना हुआ है, कार्बन से, जो से छह गो इलेक्ट्रॉन रखता है, छह गो प्रोटॉन छह गो न्यूट्रॉन, कार्बन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स प्रोटॉन और सिक्स न्यूट्रॉन, ठीक है, सब में है, डायमंड में भी वही बात है, सिक्स इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या लिखा है, बीच है यानी प्लूरल है जी, सब प्लूरल है, सबके लिए मैंने बोला, ये देखिए बीच हो गया प्रोनाउन, किसके लिए आती है, सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट ये पूरा हो गया, ऐसा नहीं कि केवल मैं आपको किसी एक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझिए कि मैं केवल किसी एक के लिए ही बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डायमंड हो गया है ना, डायमंड ग्रेफाइट कोल चारकोल लैंप ब्लैक सब सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सारा का सारा कार्बन एलिमेंट का रूप है, बीच है सिक्स हैव यानी प्लूरल हुआ, तो प्लूरल है यहाँ पर, ऐसे भी बीच हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट के लिए भी होता है, सब्जेक्ट ही है आपका, तो बीच है यानी सब के साथ, डायमंड भी छह इलेक्ट्रॉन छह प्रोटॉन छह न्यूट्रॉन, इसमें भी छह इलेक्ट्रॉन छह प्रोटॉन छह न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए दो डिफरेंट फॉर्म्स है आपका कार्बन का जो है, मेनली इस चैप्टर में कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो दो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, देयर आर टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक अमॉर्फस फॉर्म, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका हो जाता है डायमंड ग्रेफाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका होता है डायमंड ग्रेफाइट, अमॉर्फस फॉर्म में आपका हो जाता है कोल कोक चारकोल लैंप ब्लैक, अमॉर्फस मतलब होता है ऐसे पाउडर के जैसा, अमॉर्फस मीन्स ये सबको देखिए पीटीआर का पाउडर के जैसा हो जाता है, जैसे कि कोल आप लोग कोयला तो देखते ही होंगे, कोक कोयला को जलाने के बाद जो बचा ना उसी को बोलते हैं कोक, कोयला आप लोग जलाते होंगे, ये देखिए बिहार वाला कोयला नहीं, हम लोग बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में जो कोयला आता है बहुत ही घटिया क्वालिटी का कोयला आता है, लेकिन कोयला तो ऐसा होता है ना जैसे गैस जलता है ना उस तरह से कोयला जलता है, आपके घरों में गैस से खाना बनता है तो उस तरह से कोयला धरता है, ठीक है, लैंप उसको बोलते हैं, उसका नाम है एंथ्रासाइट, चार वैरायटी है कोल का, एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट और पीट, तो हमारे बिहार में पीट आता है, पीट एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट और पीट, तो पीट सबसे लो क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी आपका एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट जो है वो जलाइएगा ना तो जलाने के बाद बचेगा, तो उसी को बोलते हैं कोक, कोयला को जलाने के बाद जो बचा कोक, लकड़ी को जलाने के बाद बचा चारकोल, लकड़ी का कोयला इसको भी कहते हैं, लैंप ब्लैक पेंट वगैरह में यूज होता है, लैंप ब्लैक का यूज पेंट बनाने में, सूज पॉलिश जो सूज पॉलिश होता है उसमें भी आपका लैंप ब्लैक यूज होता है, यस। अब देखिए चारकोल मैंने अभी वैसे बताया भी कि फंक्शन में लिखा दिया कि द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलने के बाद इन द लिमिटेड सप्लाई, देखिए लिमिटेड का मीनिंग समझ गया, लिमिटेड का मतलब जितना चाहिए उतना है, उससे ज्यादा नहीं, लिमिटेड मतलब सीमित, मतलब जितना चाहिए उसको उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, आप पर्याप्त,
लिमिटेड मतलब अपर्याप्त, जितना चाहिए उसको नहीं मिला, लिमिटेड यानी हल्का ऑक्सीजन मिला, तब वो चारकोल देगा, पूरी तरह से जल जाएगा तो भाई जल जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड मतलब जितना चाहिए उतना नहीं मिला, ठीक है, कॉल्ड चारकोल, ठीक है। अब कोक क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ कोल इन द, अब कोयला को जलाने के बाद जो बचा दैट इज कॉल्ड कोक, कोयला को जलाने के बाद जो बचा वो क्या हुआ, लिमिटेड सप्लाई में कोक हुआ। चारकोल देखिए, जिसको वुड चारकोल भी कहते हैं, चारकोल को हम लोग वुड चारकोल भी, बेटर फ्यूल देन वुड, लकड़ी का कोयला सब लोग देखे होंगे, भुट्टा भुट्टा पकता है जी लकड़ी का कोयला से, तो लकड़ी का कोयला जो है आपको ज्यादा अच्छा क्वालिटी का फ्यूल है वुड से, लकड़ी ज्यादा देर नहीं जलेगा लेकिन कोयला, लकड़ी का कोयला ज्यादा देर जलेगा। कोक भी जो है बेटर फ्यूल देन कोल, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर पीट आता, मैंने नहीं बताया, इंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोल है, ठीक है, कोक और बेटर फ्यूल है कोल से। देयर आर फोर वैरायटीज ऑफ कोल, इंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस पीट, अब बेस्ट क्वालिटी ऑफ है इंथ्रासाइट, लोएस्ट क्वालिटी पीट है। अब देखिए कुछ और इलेक्ट्रोफिस है ना, डिफरेंट टू डिफरेंट इलेक्ट्रोफी ऑफ फास्फोरस का ग्रुप इलेक्ट्रोफी है, वो रेड फास्फोरस है, वो व्हाइट फास्फोरस, आप लोग देखे होंगे रेड फास्फोरस, माचिस देखे होंगे ना आप लोग जी, तो उसमें रेड फास्फोरस होता है। अब व्हाइट फास्फोरस ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस, रेड फास्फोरस मैच आपका मैच बॉक्स, माचिस, माचिस तो लगभग सबके घरों में होगी, तो रेड फास्फोरस उसमें रहता है, जो लाल लाल नहीं रहता है, जिसमें आप मैच स्टिक जलाते हैं, माचिस है उसको आप जलाते हैं जी, तो वही रेड फास्फोरस है, ठीक है, सब लोग देख रहे होंगे। व्हाइट फास्फोरस जो बहुत डेंजरस होता है। ऑक्सीजन का भी दो गो इलेक्ट्रोफी है, ऑक्सीजन ओ टू है, वो ओजोन, ऑक्सीजन का दो इलेक्ट्रॉफी है, वो ओ टू है, वो थ्री, यानी ऑक्सीजन और ओजोन। अब देखिए सल्फर का चार गो इलेक्ट्रॉफी है, रोहम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक और एमोर्फस, एमोर्फस मतलब वही पाउडर में जो पाउडर जैसा होता है, पीटने पर एकदम चूर चूर हो जाता है, ये सब इलेक्ट्रॉफी है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपको मेनली रूप से इलेक्ट्रॉफी ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, कोक, ये सब प्रकार में। अब इलेक्ट्रॉफी का कारण देखिए, कॉज मींस होता है कारण, कॉज मींस है ना कारण, इलेक्ट्रॉफी का क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉफी होता है, यानी एक से ज्यादा रूप में कैसे पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉफी मतलब एक से ज्यादा रूप में पाया जाना, एक ही लिमिट है, एक से ज्यादा रूप में पाया जाता है, सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि एक ही एलिमेंट होता है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तो इलेक्ट्रॉफी का कारण पहला डिफरेंस अरेंजमेंट, अलग अलग सब में अरेंजमेंट होता है, जैसे डायमंड, डायमंड में एक कार्बन चार कार्बन से जुड़े होते हैं, और ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़े होते हैं, डायमंड में एक कार्बन चार कार्बन से और ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन कार्बन से, तो डिफरेंस अरेंजमेंट होता है। पहला कारण है कि इलेक्ट्रॉफी का डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का डिफरेंस अरेंजमेंट। दूसरा रीजन है डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन डिफरेंट फॉर्म, है ना, बॉन्ड, बॉन्ड आप सोच रहे होंगे नया वर्ड आपको मिला हुआ बॉन्ड, आप लोग देखिएगा आगे के बुक में आप पढ़िएगा, बॉन्ड में देखिए ऐसे, इसको बॉन्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये जो दिखा ऐसे माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखिए अगर ऐसे लिखते हैं डबल बॉन्ड, ऐसे लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जो कि मैं आगे आप लोग को बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, मैं जानकारी के लिए दे दिया। आप लोग देखोगे बहुत सारे बुक में, बहुत सारे बुक में आपको लिखा रहता है ऐसे, आप देखिएगा बॉन्ड मैंने एक, तो एक दूसरे को बांधने वाला, कार्बन कार्बन को बांधे हुए हैं, तो जो बांधने का काम करता है उसको बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड आप लोग समझ गए, आगे मैं क्लियर भी करूंगा बॉन्ड के बारे में। तो डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, जैसे कार्बन में सिंगल बॉन्ड, डायमंड में सिंगल बॉन्ड होता है, और ग्रेफाइट में सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड होता है, है ना, ग्रेफाइट में सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड, डायमंड में केवल सिंगल बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के बीच में डिफरेंस के कारण भी आपका इलेक्ट्रोफी है। इलेक्ट्रोफी का दो कारण है, पहला अरेंजमेंट डिफरेंस, दूसरा क्या, बॉन्ड का डिफरेंस, कोई सिंगल बॉन्ड, कोई में डबल बॉन्ड, कोई में
ट्रिपल कौन। अब देखिएगा थोड़ा सा हम डायमंड एलॉय ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डायमंड जो है इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सही बात है जी। डायमंड जो है एकदम 100% प्योरेस्ट फॉर्म है। तो अगर डायमंड को आप जलाइएगा, डायमंड को क्या करिएगा, जलाइएगा, तो बिना इनविटेशन के कौन पहुंचेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। डायमंड कहने का मतलब क्या हो गया, डायमंड कार्बन ना हुआ जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो सिंबल हो जाएगा सी, है ना, सिंबल क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब प्लस ऑक्सीजन यानी ओटो लिखता हूं तो क्या बना देगा, सीओ बना देगा। डायमंड का मतलब हो गया कार्बन, सी। आप जलाइएगा तो बिना इमिटेशन के पहुंचेगा ऑक्सीजन, बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट भी प्योरेस्ट फॉर्म है, ग्रेफाइट को भी जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा गैस नहीं मिलेगा। और इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड जो है सबसे हार्ड है। एंड इट इज ट्रांसपेरेंट इन अपीयरेंस, देखने में ट्रांसपेरेंट लगता है, डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है। और पास देख सकते हैं, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है इसमें, एक कार्बन, देखिए मैं यहाँ पर फिगर के लिए जगह छोड़े हूँ, एक कार्बन जो है तीन कार्बन से जुड़े होते हैं डायमंड में। ये देखिए ये कार्बन वन, सॉरी चार कार्बन से जुड़े होते हैं, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़े होते हैं। ये देखिए एक कार्बन हो गया, वो इधर है, वो इधर है, वो इधर है, इधर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चार चार भुजा वाला, चार साइड वाला। देखिए ना, अगर इसको मिलाइएगा, टेट्राहेड्रल बना चार को, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, है ना, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर। उसी तरह ये कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी आपको चार कार्बन से जुड़ा, एक तो ये जुड़ा हुआ ही है, दो तीन चार। उसी तरह ये कार्बन भी, ये कार्बन एक से तो जुड़ा नहीं है, एक दो तीन। ये कार्बन अभी तो देखिए एक कार्बन से जुड़ा है, तो तीन बार इस तरह से ऐसे ऐसे, मैंने ये कार्बन भी इस तरह से, ये कार्बन देख लीजिए, ये कार्बन तो इससे एगो से जुड़ा हुआ है, दो तीन चार, ठीक है। उसी तरह से ये वाला कार्बन भी आपको जुड़ जाएगा चार चार कार्बन से, तो ये कार्बन एक कार्बन तो इधर ही है, इधर दो, इधर तीन, इधर। इस तरीका से आपको जो है आपका ऐसे होते रहता है। ये कार्बन की बात करें तो एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, वो ये जुड़ा हुआ है, वो ये जुड़ा हुआ है, वो ये जुड़ा हुआ है। इस तरह से एक कार्बन चार कार्बन से जुड़े होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड टेट्राहेड्रल होता है, जिसमें एक कार्बन आइटम बॉन्डेड विद फोर कार्बन आइटम, ठीक है, डायमंड में। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, है ना, इस अरेंजमेंट के कारण डायमंड क्लोजली पैक्ड, देखिए एकदम सटा सटा होता है। एक कार्बन चार कार्बन से जुड़े रहने के कारण ये एक दूसरे से सटा हुआ होता है ज्यादा, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो एक में एक कार्बन चार कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए क्लोजली पैक्ड होता है, सटा सटा होता है, हार्ड होता है। जब सटा हुआ रहेगा तो हार्ड होगा ही होगा, जैसे आप मेटल्स में पढ़े थे क्लोजली पैक्ड होता है ना, तो हार्ड होता है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल तो पढ़े होंगे, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। दिस मेक्स डायमंड इज हार्डेस्ट, इसी कारण जो है क्लोजली पैक्ड होता है, इसी कारण डायमंड हार्ड होता है। सटा सटा होगा तो जाहिर सी बात है कि हार्ड होगा। जैसे मैं बात करूं दीवार की, सीमेंट के दीवार की, और मैं बात करूं आपको सोफा की, तो सीमेंट का दीवार ज्यादा सटा सटा होता है, क्लोजली पैक्ड होता है तो हार्ड होता है, और सोफा सटा सटा नहीं होता है उतना, तो इसलिए सॉफ्ट होता है। अब पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमंड। तो डायमंड यूजेज कटिंग, है ना, कटिंग में, काटने में, है ना, ग्रिंडिंग मतलब घिसाई, किसी चीज को घिसने में, चिकनाई करने में, घिसेगा तो चिकना होगा ना जी, है ना। ऑफ हार्ड मटेरियल, कटिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को, शीशा को काटने में, मैंने आपको शुरू में ही बताया, ड्रिलिंग होल्स मतलब छेद करने में, होल करने में, ये डायमंड यूज होता है, ठीक है। ज्वेलरी बनाने में सब लोग जानते होंगे ये चीज। इट कीप्स अवे हार्मफुल रेडिएशन, हाँ, ये हार्मफुल रेडिएशन को जो है दूर कर देता है, इसीलिए यही कारण है कि आपका स्पेस क्राफ्ट के विंडो में आपको ये डायमंड यूज होता है। बहुत महंगा होता है स्पेस क्राफ्ट, स्पेस में जाने वाला, स्पेस क्राफ्ट के विंडो में डायमंड यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन को वो हटा देता है, दूर कर देता है ना। कोहिनूर का नाम आप लोग सुने ही होंगे, हीरा भी जो है ना, हीरा डायमंड का प्योरिटी भी आपको कैरेट में ही मापा जाता है, डायमंड का प्योरिटी, है ना।
कोहिनूर हीरा आपका 106 कैरेट से था, एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, 1/5 ग्राम, मैंने आपको बताया था। तो स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन को हटा देता है। टू रिमूव कैटेरेक्ट, कैटेरेक्ट एक डिजीज है आपका, आंख का एक डिजीज है, कैटेरेक्ट एक आंख का डिजीज है जिसमें ह्यूमन आई जो है या तो थोड़ा देखता है या तो पूरा देखना बंद कर देता है। तो कैटेरेक्ट डिजीज को हटाने के लिए आपको टूल्स के रूप में, एक औजार के रूप में आई सर्जन द्वारा यूज किया जाता है। आई सर्जन मतलब आंख वाला डॉक्टर, चिकित्सक, ठीक है। कैटेरेक्ट डिजीज इसमें आंख लगभग देखना बंद कर देता है या पूरा देखना बंद कर देता है, ठीक है, ब्लू टाइप का आंख हो जाता है कैटेरेक्ट डिजीज। डायमंड डैश, डायमंड डैश मैंने जैसे लकड़ी को काटते हैं तो धूरी बचता है ना जी, लकड़ी को आप काटते हो तो धूरी बचता है, उसी तरह डायमंड को काटते हो तो धूरी बचता है। वेरी स्मॉल डायमंड जिसको धूरी कह सकते हैं आप, इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग हार्ड मेटल, हार्ड मेटल को पॉलिश करने में, हार्ड मेटल्स को पॉलिश करने में भी डायमंड यूज होता है। फॉर ड्राइंग थिन वायर्स, पतला वायर ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब में मेटल का पतला वायर बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब में मेटल का पतला वायर बनाने में आपका यूज होता है डायमंड, समझ गया। डायमंड, डायमंड कैसे होती है, कटिंग ऑफ ग्लास में, घिसाई में, है ना, आपको ड्रिलिंग होल्स में, ग्लास कटिंग करने में, ज्वेलरी बनाने में, स्पेस क्राफ्ट में क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन को हटा देता है, कैटेरेक्ट आंख का डिजीज हटाने में डायमंड जो है, डस्ट जो है यूज होता है पॉलिशिंग हार्ड मटेरियल, और पतला तार निकालने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब से, है ना। आइए तो समझ गए, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़े होते हैं, चार कार्बन से डायमंड में, ठीक है। आप पढ़ेंगे ग्रेफाइट, देखिएगा अब ग्रेफाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक होता है, सब लोग देखे होंगे, पेंसिल में यूज होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, पेंसिल तोड़िएगा तुरंत टूट जाएगा, पेंसिल आप सबके पास होगा, आप पेंसिल का जो है क्वालिफिकेशन HB के आधार पर होता है, आप लोग देखे होंगे पेंसिल में HB लिखा रहता है, एक HB के है पेंसिल, 2 HB के पेंसिल है, 3 HB के, 2.5 HB के पेंसिल है, तो इसका जो है प्योरिटी, ज्यादा HB है तो ज्यादा स्लिप करेगा ये, ठीक है। HB अगर मान लेते हैं कोई एक HB का पेंसिल है, कोई 2 HB का पेंसिल है, ठीक है, तो HB यहाँ स्लिपिंग पे बता रहा है, जितना ज्यादा स्लिप करेगा लिखने में उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, जितना ज्यादा स्लिप करेगा लिखने में उतना ही वो बढ़िया रहेगा, तो इसका जो है क्वालिफिकेशन HB के आधार पर, दाम भी HB के आधार पर ही, HB के आधार पर ही आपका पेंसिल का लगता है, पेंसिल का दाम HB के आधार पर ही लगता है, ठीक है। तो HB आपको समझ में आ गया होगा, HB जो पेंसिल में लिखा रहता है, HB ज्यादा है ज्यादा स्लिप। तो मैं क्या बता रहा था कि आपका ब्लैक होता है सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, अब मेटल के जैसा चमकता है, क्या लिखा, इट हैज मेटालिक लस्टर, मेटल के जैसा चमक रखता है, छूने पर साबुन के जैसा महसूस होता है। ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लेड भी कहते हैं या प्लम बैगो भी कहते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये कार्बन आइटम, सही बात है, कार्बन का ही बना हुआ है तो कार्बन आइटम्स का लेयर होगा, इसमें एक कार्बन बॉन्डेड होता है 3 कार्बन आइटम से, लेकिन डायमंड में आपने क्या देखा था, एक कार्बन कितने आइटम से, 4 कार्बन आइटम से, है ना। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है रिंग के जैसा, डायमंड सॉरी ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, डायमंड का पढ़े थे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें हेक्सागोनल, डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन हेड विद बीक वंडरवाल, को देखते होंगे आपको ग्रेफाइट वगैरह बीक होता है, इसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो है ना वो बीक होता है, जैसे पेंसिल को आप पकड़ो, पेंसिल छील दो, पकड़ो तोड़ दो, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वंडरवाल फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इसका वीक होता है, किसका, आपका ग्रेफाइट का, है ना। डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन हेल्ड विद वीक वंडरवाल फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वीक होता है, कमजोर होता है। अब ग्रेफाइट देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 free electron, आपने क्या पढ़ा ग्रेफाइट में, कि एक कार्बन कितना, एक कार्बन कितना कार्बन आइटम से, 3 कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है, तो एक तो फ्री है ना जी, एक फ्री है, और इसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, सॉरी दो के साथ सिंगल बॉन्ड है, एक के साथ डबल बॉन्ड, तब ना कार्बन के 4 टोटल बॉन्ड है, मैं इसकी जानकारी आप लोग को बाद में दूंगा, कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड होता है, अभी क्या बॉन्ड है इसमें, 3 बॉन्ड है दिख रहा है आप लोग को, कार्बन के टोटल होते हैं 4 बॉन्ड, ठीक है। तो डायमंड में तो 4 बॉन्ड कंप्लीट था, अब रही आपको ग्रेफाइट में, है ना, ग्रेफाइट में आपको बॉन्ड की बात रही,
देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि वो स्ट्रक्चर हो हेक्सागोनल हो, ठीक है। तो एक कार्बन इसमें तीन कार्बन से जुड़े होते हैं, ये देखिए कार्बन एक दो तीन, ठीक है। उसी तरह से आपका ये कार्बन भी तीन कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो एक ये वही हो गया, दो ये तीन, इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा। आगे भी इस तरह से एगो डबल बॉन्ड होता है, इस तरह से इसमें तो एगो जुड़ा हुआ है दो तीन, इस तरह से इसमें ये देखिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ है दो तीन। तो इसमें लेकिन डायमंड में हमने क्या देखा था, एक कार्बन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, एक यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा है, तो एक कार्बन आपको तीन कार्बन एटम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए एक कार्बन, ये देखिए एगो यह हो गया, दो गो तीन गो। उसी तरह एक कार्बन की अगर बात कीजिएगा तो एक कार्बन से तो जुड़ा हुआ है दो गो तीन गो, एक कार्बन आपको तीन कार्बन से जुड़ा होता है किसमें, ग्रेफाइट में। इसका स्ट्रक्चर ऐसे आपका रिंग की तरह हो जाएगा, हेक्सागोनल रिंग, ये देखिएगा मैं हेक्सागोनल शो कर दे रहा हूँ, ये देखिए हेक्सागोनल मतलब छह गो साइड इस तरीका से हेक्सागोनल है ना, उसके इस तरह से इसमें भी इस तरह से इसमें भी इस तरह से कैसा स्ट्रक्चर है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना, क्लियर है। डाउट हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हैं। देखिए हम थोड़ा सा बढ़िया से हम फिगर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ये अरेंजमेंट होता है जो उस तरह से हम दिखा नहीं पाते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपका अरेंजमेंट होता है या फिर आप इसको जरा सा कंफ्यूजन है ना, तो यहाँ पर आप इसको अलग से जोड़ दीजिए, यहाँ अलग जोड़ दीजिए, ये देखिए ऐसे थोड़ा क्वाड्रिलेटरल जैसा भी अभी दिख रहा था, तो इस तरह से आपको रिंग के जैसा ये हेक्सागोनल हो गया, हेक्सागोनल एज रिंग, किसके जैसा, रिंग के जैसा, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज। तो ग्रेफाइट का यूज होता है ड्राई सेल्स में, सेल्स कब देखते हैं बैटरी, ये सूखा सेल वाला है ना, ड्राई सेल्स में आपको इलेक्ट्रिक आर्क्स में या इलेक्ट्रोलाइट सेल्स में, मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट वगैरह के बारे में आप लोगों को है ना, पिछला वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह के बारे में बताए थे। इन पेंसिल में होता है राइट फॉर राइटिंग ऑन पेपर, पेपर पर लिखने के लिए यूज होता है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब चिकना करने वाला पदार्थ, फोर्स फ्रिक्शन प्रेशर के प्रति में पड़ेंगे ड्यू टू सॉफ्ट एंड स्लिपी, ये सॉफ्ट होता है स्लिपी मतलब चिकना, फिसल जाता है बहुत अच्छी तरह से, इसलिए लुब्रिकेंट में, लुब्रिकेंट का मतलब होता है चिकना करने वाला, तो स्लिपरी होता है तो चिकना होता है इसलिए यूज होता है लुब्रिकेंट में, ठीक है। ग्रीस भी होता है लुब्रिकेंट में यूज, ऑयल वगैरह भी होता है, देखते हैं साइकिल बनवाते हैं आप लोग तो ग्रीस देता है ताकि स्लिप करे बढ़िया से, ग्रेफाइट से भी स्लिप होता है। मेकिंग ब्लैक पेंट और इंक, ब्लैक पेंट और इंक बनाने में यूज होता है, सब सस्ता क्वालिटी का होता है, ब्लैक पेंट आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, ठीक है, सस्ता होता है। कार्बन ब्रूसेस आप देखते होंगे जनरेटर वगैरह में, डायनेमो, डायनेमो वही जनरेटर वगैरह में देखते होंगे आप लोग, कार्बन का ब्रूस होता है ना, जो कि आपको कॉन्टैक्ट को जो है आपको बनाते, तो कार्बन का ब्रूसेस यूज होता है डायनेमो में, ठीक है। तो ये था आपका यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, ये सब थोड़ा एक दो नजर एक नजर देख लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड, देखिएगा आप कुछ और पॉइंट्स में लिखा हूँ, वेट ऑफ डायमंड इज मेजर्ड इन कैरेट्स, डायमंड का भी वजन जो है कैरेट में मापा जाता है। अब वेट ऑफ कोहिनूर और डायमंड 106 कैरेट, कोहिनूर डायमंड जो है आपका 106 कैरेट का था, ठीक है। कोर ऑफ लेड पेंसिल, देखिए कोर मतलब क्या हुआ, जो अंदर वाला पार्ट, कोर क्या हुआ, जो पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट, हैज ग्रेफाइट। कोर मतलब बीच वाला पार्ट, लकड़ी हुआ ऊपर में वुड रहता है, अंदर में ग्रेफाइट रहता है, तो कोर मतलब बीच वाला पार्ट है ना, बीच वाला। और लेड पेंसिल का मतलब ये मत समझिए कि उसमें लेड है, लेड जैसा चमक है उसके पास। आप मैंने लेड पेंसिल लिखा तो आप क्या सोच रहे हो, लेड, लेड कौन होता है, जो आपका
बैटरी में जिसमें बाहर कनेक्ट करते हैं ना, बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस जिसमें बाहर कनेक्ट करते हैं वो लेड होता है, काफी अच्छा चमक होता है उसके पास। तो लेड पेंसिल का मतलब ये मत समझिए कि लेड है उसके पास, ठीक है। तो क्ले पेंसिल है, ग्रेफाइट रखता है, क्ले और वैक्स होता है उसमें, मोम भी थोड़ा मिला होता है चिकनाई बढ़ाने के लिए। इट डज नॉट हैव एनी लेड, हाँ लेड पेंसिल का मतलब मत समझिए कि इसमें लेड है, मैंने अभी बताया लेड पेंसिल मतलब लेड नहीं है। द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्ले रिजल्ट्स, अलग क्ले जो है वैरी करता है सब में, चिकनाई अलग अलग होता है, तो उसको मेजर किया जाता है एचबी, 2HB, 2.5HB, 3HB, है ना, एचबी में मेजर किया जाता है। ज्यादा एचबी तो ज्यादा स्लिपरी, ज्यादा महंगा भी रहेगा। तो उसका जो है आपका वेरिएशन ऑफ अमाउंट क्ले रिजल्ट, क्ले के आधार पर कितना फिसलता है उसके आधार पर जो है पेंसिल का वेराइटी दिया जाता है। अब देखिए पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन है ना डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये लास्ट पॉइंट आपका इस वीडियो के लिए रहेगा। देखिए एक तरफ डायमंड लिखे और एक तरफ ग्रेफाइट लिखे, क्या लिखे, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये सॉफ्ट होता है ना, और स्लिपरी होता है छूने पर साबुन के जैसा, ये हार्ड होता है, ये बैड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर, ये ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है डायमंड, और ये आपका क्यू होता है और ब्लैक होता है ना। इसमें एक कार्बन चार कार्बन से जुड़े होते हैं, इसमें एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़े होते हैं, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं डायमंड के पास, इसलिए बैड कंडक्टर। मैंने डायमंड ग्रेफाइट में आते ही मेटल एंड मेटल में आप लोगों को बताया था शुरू में कि आपको जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो गुड कंडक्टर, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बैड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो गुड कंडक्टर, और डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बैड कंडक्टर। ये नेचर में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है डायमंड, इट इज अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करिएगा, जितना भी वीडियो हमारा देखे हमारे चैनल पर सारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है।